साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता है। इसके लिए जो वातावरण चाहिए, शासन प्रशासन में जो बदलाव चाहिए, वो किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें हर देशवासी का साथ चाहिए, हर हिंदुस्तानी का साथ चाहिए। एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर पसंदीदा जगह थी। उस दौरान शायद ही कोई फिल्म बनती हो जिसकी कश्मीर में शूटिंग ना हो। अब जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे। हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अनेक अवसर भी लेकर आएगी। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े से लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश के बारे में, फिल्म की शूटिंग से लेकर थिएटर और अन्य साधनों की स्थापना के बारे में जरूर सोचें, उसको प्राथमिकता दें। जो टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े लोग हैं, चाहे वो प्रशासन में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपनी नीतियों में, अपने फैसलों में इस बात को प्राथमिकता दें कि जम्मू कश्मीर में कैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जाए। वहां के नौजवान तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, अंग्रेजी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। जब वहां डिजिटल कम्युनिकेशन को ताकत मिलेगी, जब वहां बीपीओ सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर बढ़ेंगे, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा उतना ही जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहनों का जीवन आसान होगा, उनकी आजीविका और रोजी रोटी कमाने के अवसर बढ़ेंगे। साथियों, सरकार ने जो फैसला लिया है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन नौजवानों को भी मदद करेगा जो स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। नई स्पोर्ट्स एकेडमीज, नए स्पोर्ट्स स्टेडियम, साइंटिफिक एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग, उन्हें दुनिया में अपना टैलेंट दिखाने में मदद करेगी।